गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी हैव टू लर्न EBS असाइनमेंट इन स्टैंडर्ड 5। सो किड्स, आज हम EBS के असाइनमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप अच्छे से ध्यान देना कि ये असाइनमेंट आपको मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन करते जा रही हूँ समझ लेना कि कौन से क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, ताकि आपको अच्छे से रीड करने में भी आसानी हो और जब आप नोटबुक में लिख रहे हैं तभी अच्छे से रीड करते जाए और लर्न करते जाए। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का असाइनमेंट जो है वो, और नेक्स्ट वीक आपकी जो है वो एग्ज़ाम रहेगी, तो अच्छे से प्रिपरेशन करते ही जाना वीडियो में देख देख के। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ अ करेक्ट आंसर, तो हमें आंसर को करेक्ट चूज़ करना है। तो व्हाट इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, लद्दाख LADAKH लद्दाख गेट्स वेरी ब्लैंक रेनफॉल, लद्दाख गेट्स वेरी ब्लैंक रेनफॉल। तो लद्दाख में कैसी रेनफॉल होती है, तो आपको यहाँ पे थ्री ऑप्शंस लिए हैं, लिटिल मतलब थोड़ी ही, हाई मतलब बहुत ज़्यादा, एवरेज मतलब मीडियम। तो लद्दाख में जो है वो बहुत ही कम रेनफॉल होती है, बहुत कम बारिश होती है, तो आपको ऑप्शन टिक करना है लिटिल LITTLE लिटिल। उसके बाद है सेकेंड चिल्ड्रंस CHILDREN'S चिल्ड्रंस ऑफ ले LEAH ले जो है वो एरिया का नाम है, आर कॉलिंग बच्चे जो है ले के वो क्या बोल रहे हैं, जब गौरव जानी वहाँ पे जाते हैं तो बच्चे क्या बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको थ्री ऑप्शंस दिए हैं, फर्स्ट है झूले झूले, उसके बाद है बाय बाय और गो गो। तो लद्दाख की लैंग्वेज में वो बच्चे क्या बोल रहे थे, झूले झूले यानी कि वेलकम वेलकम, तो आपको ए ऑप्शन टिक करना है। उसके बाद थ्री ऑप्शन चंग थंग एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट ब्लैंक मीटर्स, यानी कि चंग थंग जो एरिया था वो कौन सी हाइट पे था, तो कितने मीटर्स की हाइट पे था, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 6000 meters, 5000 meters या 4000 meters, तो चंग थंग जो है वो 5000 meters की हाइट पे है। उसके बाद है चंगपा लिविंग ऑन द ब्लैंक, चंगपा ट्राइब्स जो था, चंगपा जाति जो थी वो कहाँ पे रह रही थी, तो चंगपा ट्राइब्स जो है वो यहाँ पे थ्री ऑप्शंस आपको दिए हैं, रिवर पे, लैंड पे या माउंटेन्स पे, तो वो लोग जो है वो माउंटेन्स पे रहते थे, इसलिए आपका ऑप्शन होगा सी चंगपा लिविंग ऑन द माउंटेन्स। उसके बाद है फिफ्थ There was an earthquake on तो अर्थक्वेक जो था वो कौन से साल में आया था। ओके, तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं थ्री ऑप्शंस 2001, 2002, 2004, तो अर्थक्वेक जो है वो 2001 में आया था, तो आपको ए ऑप्शन टिक करना है कि देर वॉज एन अर्थक्वेक ऑन, अर्थक्वेक जो है वो 2001 में था। सिक्स नंबर, इफ देर इज नो रेन, कि अगर बारिश नहीं हो रही है, देर कैन बी अ, तो कैसी सिचुएशन होगी, तो फेमाइन FAMINE DROUGHT ड्रॉट और QUAKE, तो ड्रॉट सिचुएशन होगी, अगर बारिश नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे हम दुकाल गुजराती में, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है DROUGHT ड्रॉट। सेवन नंबर, मेन बलशित्य वॉज वॉचिंग ब्लैंक फ्रॉम कॉर्नर, मेन बलशित्य जो है वो क्या देख रहा था, वॉचिंग WATCHING वॉचिंग मतलब देखना, फ्रॉम कॉर्नर, कॉर्नर मतलब एक कॉर्नर से वो क्या देख रहा था, तो फर्स्ट है वॉशरमैन धोबी को देख रहा था, वुड कटर लकड़ी काटने वाले को देख रहा था, या फिर हॉपर को देख रहा था, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन वुड कटर, वो वुड कटर को देख रहा था। उसके बाद है एट नंबर, वुड कटर लिट अ ब्लैंक इन चूल्हा, तो वुड कटर ने चूल्हे में क्या जलाई, लिट मतलब जलाना, वुड कटर लिट अ ब्लैंक इन चूल्हा, तो वुड कटर ने चूल्हे में क्या लगाया, तो हम लिख सकते यहाँ पे ऑप्शन दिया है हमें वाटर एयर या फायर, तो चूल्हे में क्या जलाते हैं हम, ऑब्वियसली फायर ही जलाते हैं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी FIRE फायर, तो वुड कटर लिट अ फायर इन चूल्हा। मेन बलशित्य सेड टू हिमसेल्फ दैट वुड कटर इज ब्लैंक, मेन बलशित्य जो है सेड टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यानी कि खुद को बोलता है, क्या बोलता है, दैट वुड कटर इज, वुड कटर क्या है,
गॉड जी ओ डी गॉड यानी कि भगवान, जी एच ओ एस टी घोस्ट यानी कि भूत, एन यू एन नन नन यानी कि कोई संत। तो गॉड घोस्ट या नन क्या है, तो वो मेन बलशित्य जो है वो खुद से सोच रहा है कि वुड कटर क्या है, एक घोस्ट है, कोई भूत है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जी एच ओ एस टी घोस्ट। उसके बाद 10 नंबर का, वुड कटर पुट अ स्मॉल हांडी ऑन ब्लाइंड। वुड कटर पुट अ स्मॉल हांडी, हांडी मतलब मटका, हांडी का मतलब होता है मटका। तो वुड कटर स्मॉल मटके को कहाँ पे रखता है, किसके ऊपर रखता है, फायर के ऊपर, एयर के ऊपर या वाटर के ऊपर? तो वो फायर के ऊपर उस हांडी को रखता है, फायर, क्योंकि उसे पोटैटोज बॉयल करने होते हैं और बॉयल करने के लिए उसे फायर के ऊपर ही रखना पड़ेगा। उसके बाद है ब्लैंक ट्रीटेड द इंजर्ड पीपल। इंजर्ड पीपल यानी कि ऐसे लोग जिसको बहुत ज़्यादा लगी हुई है या फिर वो डिज़ास्टर की वजह से वो ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं, तो उसको कौन ट्रीट कर रहा था? तो डॉक्टर्स, DOCTORS, डॉक्टर्स ही ट्रीट करेंगे। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स तो उसे ट्रीट नहीं कर पाएंगे, तो आंसर आएगा डॉक्टर्स। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स चलो देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, गौरव जानीज मोटरसाइकिल नेम। तो गौरव जानी की जो मोटरसाइकिल थी उसका नाम क्या था? लोनार, LONAR, लोनार। क्या नाम था? लोनार। सेकंड नंबर है, गौरव जानी स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम मुंबई। गौरव जानी ने अपनी जर्नी जो है वो कहाँ से स्टार्ट की थी? फ्रॉम मुंबई, मुंबई से स्टार्ट की थी। नेक्स्ट वन है, द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स इन ले। ले जो एरिया है उसमें जो हाउसेस है वो किससे बने हुए हैं? स्टोन से बने हुए हैं। तो इसका मतलब होता है द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स इन ले। तो घर जो है वो किससे बने हुए हैं? स्टोन से बने हुए हैं लेह में। फोर नंबर, द चंगपा ट्राइब्स हैज़ ओनली 5,000 पीपल। चंगपा ट्राइब्स जो है उसमें कितने लोग हैं? ओनली 5,000 लोग हैं। तो ट्राइब जो है वो बहुत छोटी है, जिसमें सिर्फ 5,000 लोग ही हैं। पश्मीना शॉल, हमने पश्मीना शॉल के बारे में पढ़ा था। तो पश्मीना शॉल इज़ एज वार्म, इतनी गर्म है, एज 6 स्वेटर। ताकि कितने स्वेटर हमने पहने होते? 6 स्वेटर पहने होते, इतनी गर्मी देती है हमें। कौन? पश्मीना शॉल इज़ एज वार्म एज 6 स्वेटर। पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितने गर्म है। पीपल फ्रॉम सिटीज, लोग जो सिटीज से हैं, केप्ट कमिंग टू हेल्प बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। पीपल फ्रॉम सिटीज, सिटीज के लोग केप्ट कमिंग टू हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि अर्थक्वेक, क्योंकि कहाँ अर्थक्वेक हुआ था, इसीलिए सिटी के जो लोग हैं वो विलेजेस में हेल्प करने के लिए जा रहे थे। 7 नंबर, ऑल विलेजर्स, सारे गांव वाले वर्क टुगेदर, साथ में काम कर रहे थे। ऑल विलेजर्स वर्क टुगेदर, सारे गांव वाले साथ में काम कर रहे थे, साथ में, टुगेदर मतलब साथ में। पीपल हैव टू स्टे हंग्री, पीपल हैव टू स्टे हंग्री, लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। इस कॉल्ड, तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? फेमाइन, FAMINE, यानी गुजराती माँ के भाई भूख मरो। तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो भूख से मर रहा है, इट इज़ कॉल्ड फेमाइन। ओके, तो पीपल हैव टू स्टे हंग्री इज कॉल्ड फेमाइन। उसके बाद है 9 नंबर, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वुड कटर यूज़ टू गो टू द फॉरेस्ट। वुड कटर कहाँ पे जाता था? फॉरेस्ट जाता था। एवरी मॉर्निंग वुड कटर यूज्ड टू गो टू द फॉरेस्ट, हर सुबह वुड कटर फॉरेस्ट जाता था। मेन बलशित्य थिंक दैट वुड कटर इज घोस्ट और जिन। मेन बलशित्य थिंक मतलब सोचता है, क्या सोचता है मेन बलशित्य? दैट वुड कटर जो है इज क्या, वो क्या है? घोस्ट, भूत है, अदरवाइज कोई जीन है। आपको दोनों लिखना है, घोस्ट और जीन, DGIN, जीन।
उसके बाद है 11 नंबर का, वुड कटर ब्लो लाइक फू फू। वुड कटर ब्लो, तो वुड कटर अपने मुंह से कैसे ब्लो करता है, फू फू ब्लो करता है, मतलब अपने मुंह से कैसे फूक मारता है, फू फू। उसके बाद है 12 नंबर के ब्लैंक्स, वुड कटर पिक्ड अप टू स्टोन्स एंड मेड अ चूल्हा। वुड कटर पिक्ड अप, उसने उठाए कितने क्या उठाया, टू स्टोन्स दो पत्थर उठाए, एंड मेड अ चूल्हा और क्या बनाया, मेड मतलब बनाना, चूल्हा बनाया। वुड कटर पिक्ड अप टू स्टोन्स एंड मेड अ चूल्हा, वुड कटर ने दो पत्थर उठाए और चूल्हा बना लिया। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें। एट वॉट हाइट इज द प्लेस वेर यू लिव, एट वॉट हाइट इज द प्लेस वेर यू लिव, मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो वो प्लेस जो है वो कितनी हाइट पे है, तो आपको आंसर लिखना है आई लिव इन अ प्लेस, मैं जिस प्लेस पर रहती हूँ, वेर इट इज सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 350 मीटर अबोव द सी लेवल। सी लेवल से अबो मतलब ऊपर कितने मीटर की हाइट पे है, 350 मीटर की हाइट पे है, सिचुएटेड मतलब स्थापित है, तो मैं जहाँ पे रह रही हूँ वो प्लेस जो है वो 350 मीटर ऊपर है, सी लेवल से स्थापित की गई है। ओके तो ये से हम लिख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, तो देखते हैं चलो सेकेंड नंबर का, Have you ever been to a hilly place where? Have you ever been to a hilly place where? आप कभी भी hilly place पे रहे हो, कहाँ पे? Yes, हाँ I had been to a hilly place, मैं hilly place पे गई थी, located at Himachal Pradesh, कि वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। लोकेटेड, लोकेट करना मतलब बताना कि वो प्लेस कहाँ पे है, तो हम लिख सकते हैं लोकेटेड कि वो प्लेस कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। थर्ड नंबर, विच इज़ द हाईएस्ट प्लेस यू हैव बीन टू, विच इज़ मतलब कौन सी प्लेस सबसे हाईएस्ट है कि जहाँ पे आप गए थे, विच इज़ द हाईएस्ट प्लेस यू हैव बीन टू, कौन सी प्लेस ऐसी है जो सबसे हाईएस्ट है जहाँ पे आप गए थे, तो लिखना है द हाईएस्ट प्लेस आई हैड बीन टू वॉज किलोंग पास। द हाईएस्ट प्लेस सबसे ऊंची प्लेस आई हैड बीन टू कि मैं वहाँ पे गई थी वो कौन सी है, वॉज किलोंग पास, किलोंग पास जगह है वो। उसके बाद है फोन नंबर का, लिस्ट फाइव वेज इन विच डिफरेंट एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि फोर एनिमल्स के बारे में बताओ जो आप की लाइफ का पार्ट है। लिस्ट फाइव वेज इन विच डिफरेंट एनिमल्स, कि पांच तरीके ऐसे बताओ कि कैसे एनिमल जो है वो आपकी लाइफ का कोई पार्ट हिस्सा बन गए हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट है काऊ, काऊ हमारी लाइफ का हिस्सा है, यस, क्योंकि इट इज़ गिव अस मिल्क, बिकॉज वो हमें क्या देती है, मिल्क देती है, दूध देती है, इट इज़ गिव अस मिल्क, हमें दूध देती है। ऑक्स, ऑक्स यानी कि बुलॉक, उससे गुजराती में बोलते हैं बड़द, तो वो भी हमारे लाइफ का पार्ट है, कैसे, इट हेल्प्स द फार्मर्स, वो किसे हेल्प करता है, फार्मर को, तो फार्मर को उसे खेती करने में, अपने खेत में खेती करने में वो हेल्प करता है, सो इट हेल्प्स द फार्मर, वो फार्मर को हेल्प करता है। उसके बाद है शिप, SHEEP शिप, इट्स फर इज़ वेरी यूजफुल, उसके जो फर, फर है यानी कि उसकी बॉडी पे जो हेयर है, इट इज़ कॉल्ड फर, उसे फर बोलते हैं हम, सो इट्स फर इज़ वेरी यूजफुल, उसके जो बॉडी के हेयर है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि शिप के फर से हम स्वेटर्स और शॉल्स बना सकते हैं। लास्ट है डॉग, DOG डॉग, इट गिव्स अ प्रोटेक्शन, वो क्या देता है हमें, प्रोटेक्शन देता है, यानी कि अगर हम अपने घर पर डॉग रखते हैं तो वो हमारे घर की रखवाली करता है, तो हम लिखेंगे डॉग में इट इज़ गिव्स प्रोटेक्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर योर हाउस विथ जैस्मा, यानी कि अपने घर को जैस्मा के साथ, घर के साथ कंपेयर करो, तो यहाँ पे आपको इस तरह से मैंने लिखा है, तो एग्ज़ाम में भी आपको इस तरह का आंसर लिखना पड़ेगा, जैस्मास हाउस योर हाउस,
चश्मा का घर, आपका घर क्या लिखेंगे? चश्मा का घर किससे बना हुआ है? तो चश्मा का घर जो है वो क्ले मिट्टी से, काउ डंग मतलब गाय का जो डंग होता है, उसका जो छाण होता है उससे बना हुआ है, एंड मिरर और कांच से बना हुआ है। आपका घर किससे बना हुआ है? तो ब्रिक से, सीमेंट CEMENT सीमेंट, ये ई है CEMENT सीमेंट, सैंड मतलब रेती, और आयन IRON आयन मतलब लोखंड। ओके, तो यहाँ पे आपका घर और जैस्मा का घर किस चीज़ से बना है, तो हमने यहाँ पे कंपेयर कर दी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, वो ऑल हेल्प एट सच अ टाइम, मतलब सच अ टाइम का मतलब है कि अर्थक्वेक या फिर कोई भी ऐसा डिज़ास्टर है, कोई भी ऐसी आफत आ गई है, तो उस टाइम पे हमें कौन कौन लोग हेल्प करते हैं? वो ऑल हेल्प एट सच टाइम, तो लिखना है लाइक नेबर यानी कि पड़ोसी, NEIGHBOUR नेबर्स यानी कि हमारे जो पड़ोसी होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं। उसके बाद है मिलिट्री फोर्स, MILITARY मिलिट्री, FORCE फोर्स मिलिट्री फोर्स यानी कि जो सोल्जर्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं। उसके बाद है डॉक्टर्स, DOCTORS डॉक्टर्स, एंड पॉलिटिकल लीडर्स, POLITICAL पॉलिटिकल, LEADERS लीडर्स, हेल्प देम, HELPED THEM देम, हमें नेबर, मिलिट्री फोर्सेस, डॉक्टर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है भाजपा या कांग्रेस के लीडर्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं ऐसे सिचुएशन में। अभी आपने देखा कि कोरोना जैसी सिचुएशन थी तो हमारे जो CM है उन्होंने क्या हेल्प की थी कि सारे लोगों को जो ये गेहूं और राइस जो है, वीट्स और राइस जो है वो मुफ्त में दिए थे अपने उन लोगों को जिसके पास राशन कार्ड था। तो ऐसे गवर्नमेंट भी हमें कोई इसे डिज़ास्टर में कुछ ना कुछ हेल्प करती रहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, Have you or anyone that you know ever faced such a difficulty? Have you? क्या आप और anyone that you know या फिर आप ऐसे इंसान को जानते हो ever faced such a difficulty? उसने ऐसे difficulty कभी face की है, यानी कि आपने या फिर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसने ऐसे earthquake या फिर कोई भी ऐसे difficulty face की हो, तो आपको लिखना है no, बट आई हर्ड इन द टेलीविज़न न्यूज़, नहीं लेकिन, बट मतलब लेकिन, आई हर्ड, हर्ड मतलब सुनना, मैंने सुना है इन द टेलीविज़न TV में, न्यूज़ में। ओके, तो टेलीविज़न न्यूज़ में मैंने ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। लास्ट क्वेश्चन, हैव यू वॉर्म्ड योर हैंड इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन देम व्हेन दे आर कोल्ड, कि आपने कभी वॉर्म्ड मतलब गर्म किए हैं अपने हाथ इन द विंटर, विंटर सीजन में, बाय ब्लोइंग ऑन देम यानी कि अपने मुंह से अपने हाथ पे ब्लोइंग करके उसे कभी गर्म करने की कोशिश की है कि जब भी वो हाथ ठंडे होते हैं? ये मतलब होता है इस क्वेश्चन का कि हैव यू वॉर्म्ड योर हैंड इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन देम व्हेन दे आर कोल्ड, कि जब भी हाथ आपके ठंडे हैं तो आपने कोशिश की है अपने हाथ को गर्म करने की उसके ऊपर ब्लो करके? तो आपको आंसर लिखना है येस, हाँ, ब्लोइंग ऑन माई हैंड्स, कि अब मेरे हाथ पे ब्लोइंग करके, ब्लोइंग ऑन माई हैंड्स मेड माई हैंड्स वार्मर, मैं जब भी ब्लो करता हूँ अपने हाथ पे तो मेरे हाथ क्या बन जाते हैं? वार्म यानी कि गर्म होते हैं इन विंटर, विंटर सीजन में, इट फील्स वार्मर एंड कंफर्टेबल, तो वो हमें क्या फील करवाता है? वार्मर गर्म फील करवाता है, एंड कंफर्टेबल यानी कि हमें अच्छा फील करवाता है। COMFERTABLE कंफर्टेबल का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो हमें अच्छी लगती है, कहाँ हम जिसमें एडजस्ट कर पाते हैं। आंसर लिखना है येस, ब्लोइंग ऑन माई हैंड्स मेड माई हैंड्स वार्मर इन विंटर, इट फील्स वार्मर एंड कंफर्टेबल। ओके किड्स, तो यहाँ पे आपका जो ये असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने आज आपको पूरा EVS का असाइनमेंट स्टैंडर्ड 5 वालों को समझा दिया है। जब भी आपके फ़ोन में PDF आ जाए तो आपको अच्छे से असाइनमेंट के साथ ये वीडियो और एक बार देख लेना है, और अच्छे से ये पूरा असाइनमेंट जो है वो आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है और पूरा लर्न कर लेना है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।